ही बाबूलाल गौर जी नहीं रहे, बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी को। बिल्कुल, बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आज उनका देवलोक गमन हुआ है। मैं उनसे जब वो मुख्यमंत्री थे उसके पहले से जुड़ी हूँ। बड़ी ही सरलता और सहजता से मिलना, कार्य करना, ये उनका स्वभाव था। कुछ दिन पहले मैं उनके पास गई उनके जन्मदिन पे, तो बड़ी ही आत्मीयता से मिले। मैंने कहा बाबूजी कुछ मुझे आप बताइए, अनुभव बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अपने भोपाल क्षेत्र विधान लोकसभा क्षेत्र के लिए अच्छे से कार्य कर सकूं। बहुत अच्छा उन्होंने अनुभव बताया, बहुत अच्छे गुर दिए। और मैं उन्हें जब हॉस्पिटल में देखने गई तो बड़े कष्ट में थे वो, क्योंकि उनके ब्लड में पूरा इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा इम्प्रूव तो हो रहे हैं। मैंने भी प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु कष्ट का निवारण करिए। आज उनका देवलोक गमन हुआ है, जो शाश्वत सत्य है कि मनुष्य आता है और जाता है, परंतु पंचतत्व पंचतत्व में विलीन होता है, और जो वास्तविक आत्मा जो है उसका प्रभु कल्याण करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। उनके कर्म सदैव लोगों की चेतना में जीवित रहेंगे, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को धैर्य धारण करवाएं, इस शोक को सहन करने की ताकत दें। आप जन्मदिन पे जब मिलने गई थी, क्या स्टूडेंट रहे थे बाबूलाल गौर से आपकी बात? बहुत बताया उन्होंने, बहुत ही आत्मीयता से उन्होंने बात की। मेरा जो मैंने उनका जो सम्मान किया, इतने खुश थे और बहुत देर तक बिठा के रखे। बहुत अच्छे से उन्होंने बातें की, बहुत सारे अनुभव बताए, बहुत सारे हमारे लिए कहा कि आपको ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, बहुत अच्छा बताया। और मैं उनको धारण करती हूँ, जीवन भर याद रखूंगी। कोई एक सीख जो आप कहेंगी लोगों को बाबूलाल गौर से सीखें? उन्होंने एक बात अवश्य कही कि आपकी सक्रियता को मैं पहले भी देखता रहा हूँ, हमारी आपसे बहुत अपेक्षा है, बस आप सक्रिय रहें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगी, ये मेरा विश्वास है। और मुझे अच्छे से ध्यान है वो सब बातें जो उन्होंने कही हैं, और ये बात भी मैं ध्यान कर करके अपना स्वास्थ्य को अच्छा करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि हमें कार्य करने के लिए लोगों ने बिठाया है और मुझे कार्य करना है। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, कई जन्म लग जाए लेकिन हमारा लक्ष्य पूरा हो, इस ओर हम अग्रसर हैं।